झनक के अगर मुझे झलक भी दिखी ना तो मैं परफॉर्म नहीं करने वाली। मॉम रिलैक्स, झनक ने कल सुसाइड अटेम्प्ट किया था, हॉस्पिटल में थी वो। आपको लगता है इस हालत में वो यहाँ परफॉर्म करने आएगी? वैसे भी तनुजा आंटी ने उसे इतना सारा काम दिया है कि फिलहाल वो किचन में खाना पका रही होगी। सृष्टि मुखर्जी को अपने नाम का इतना गुरूर है कि वो आ तो गई है अनी के ऑफिस के प्रोग्राम में परफॉर्म करने, पर उसके दिमाग में एक ही बात है जो उसे खलता है, और वो यही है कि अनी कहीं उसकी बेटी अर्शी की जगह झनक को तो नहीं दे रहा है। इतना जो ख्याल रखता है झनक का। और अब डांस परफॉर्मेंस से पहले मेकअप रूम में वो एक ही सवाल पूछ रही होती है अर्शी को कि कहीं झनक भी तो नहीं आएगी ना उस मंच पर जहां सृष्टि मुखर्जी परफॉर्म करने वाली है। और आखिर अनी क्यों छुपा रहा है न्यू फेस कैटेगरी का नाम सृष्टि और अर्शी से? और अब सृष्टि पूरी तरह से अर्शी को अनी से केयरफुल रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लगता है कि अनी पहले जैसा नहीं रहा जो उसका इतना परवाह करता था झनक के आने से पहले। और तब ही अनी भी आता है उनके मेकअप रूम में, और तब अर्शी फिर पूछती है कि आखिर न्यू फेस कैटेगरी में कौन है, पर अनी अब भी सरप्राइज है बोल के टाल देता है। और तब ही बजता है अनी का फोन, और कोई नहीं बल्कि छोटौन का फोन है जो कॉल कर रहा है अनी को। और अब अनी बाहर जाके छोटौन से बात करता है और पूछता है कि आखिर झनक और वो कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि अप्पू दीदी जो है झनक के बगैर गाना नहीं गाने वाली। और छोटौन अनी को आश्वासन देता है कि वो जल्द पहुंच रहे हैं क्योंकि अप्पू दी भी झनक के बगैर गाना तो गाएगी नहीं। और ये बात सुन लेती है अर्शी जो अनी के पीछे पीछे चली आई थी। अब अनी से सवालात करती है अर्शी कि वो झनक के बारे में क्या कुछ कह रहा था, और अनी तो बस देखते ही रह जाता है अर्शी को। तो आखिर अगर झनक उसी मंच पर परफॉर्म करेगी तो क्या सृष्टि मुखर्जी का नाक कट जाएगा सिर्फ इसलिए कि झनक की माँ और वो बहने तो थी पर आर्थिक स्थिति से कमजोर थी झनक की माँ उर्वशी। अब देखना ये है कि क्या झनक का डांस देखने के बाद सृष्टि मुखर्जी डांस करेगी या चले जाएगी। अर्शी तुम यहाँ? किसका फोन था? वो ऑर्गेनाइजर्स का। सच बोलो अनी, तुम झनक के बारे में कुछ कह रहे थे ना? अर्शी इस बारे में बाद में बात करें, मुझे भी निकलना होगा। लिसन ना, ऑल द बेस्ट ओके, अच्छे से परफॉर्म करना ओके।